सर हम लोग का ये कोलकाता में नहीं बोलेंगे, पूरा बंगाल में फर्स्ट वीडियो है क्रिएटा का, इंजन का। जी जी फर्स्ट वीडियो हम लोग हाँ, जी जी इसलिए कि हम लोग पूरा यूट्यूब में खोज चुके हैं। हाँ। कल रात में रिसर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, हमको वीडियो नहीं मिला कोलकाता का, बाहर का है, कोलकाता का हमको नहीं मिला, बंगाल का भी नहीं मिला। हम लोग फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं यूट्यूब में क्रिएटा का इंजन बनाने। तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि चीप एंड बेस में जितना अच्छा काम हो, हम लोग पेट्रोल कार का इंजन बनाने में टाइमिंग करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, खासकर के हुंडई का, ये सब बाहर का कार है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि चीप एंड बेस में जितना अच्छा से सस्ता से काम कर पाए, और रिपेयरिंग में ज्यादा फोकस करते हैं हम। रिपेयरिंग में कि लोग इंडिया कोई भी कोना से देख रहे हैं, या तो बंगाल से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, अपने पास में कार है, अगर से कुछ पार्ट्स भी लगेगा आपको तो हम लोग पार्ट्स भी अवेलेबल करवा देंगे आपको, और बाकी गाड़ी होगा तो गाड़ी लेकर आइएगा, तो गाड़ी हम लोग डेंटिंग पेंटिंग से लेकर इंजन से लेकर रिपेयरिंग सब कुछ टोटल ए से लेकर जेड तक सारा हम लोग रिपेयरिंग सर्विसिंग करते हैं। ये टोटल फिनिशिंग में कितना दिन लगेगा आपको, क्या लगेगा सर? कम से कम पकड़ लीजिए अभी तो सब रेडी है, अभी हम लोग फिर असेंबली करेंगे बाहर में, इसको बाहर में असेंबली करेंगे पूरा हेड वुड सब, फिर सब लगाने के बाद में दो तीन दिन के अंदर में, एक दो तीन के अंदर में हो जाएगा, टेस्ट ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे तो उस टाइम फिर हम लोग इसको एक तो शॉट ले लेंगे। जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं दादा? अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। सर आज बहुत सारे नया दोस्त ऑल ओवर इंडिया से आपको देख रहे हैं, ताकि आज का ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो ज्यादातर सर्च करके आए। एकदम सर, एकदम। आप पहले कंपनी का नाम और एड्रेस। अच्छा सर, हम लोग कंपनी का नाम हुआ अमन मोटर वर्क, मेरा नाम हुआ मिस्टर अमन, और हम लोग कोलकाता से हैं। हम लोग कोलकाता में कार रिपेयरिंग का वर्कशॉप है, कोलकाता में साइंस सिटी का अपोजिट साइड में हम लोग का वर्कशॉप है। हम लोग का एड्रेस जो हुआ 30 नंबर आलू पता होता है 105, बाकी नंबर चल रहा, कॉल कीजिएगा तो आपको एड्रेस बता देंगे एग्जैक्ट। ठीक है सर, आज का टॉपिक तो आप बता रहे थे कि बहुत सीरियस टॉपिक। एकदम सर, क्या टॉपिक है वो आप ही बताइए। आज हम लोग क्रेटा दिखाएंगे, होंडा का क्रेटा दिखाएंगे, पेट्रोल कार, उसका इंजन हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, सीज हो गया था पानी ढुक के, कैसे हुआ, कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या पार्ट चेंज कर रहे हैं, क्या क्या रिपेयरिंग कर रहे हैं, सारा चीज आपको दिखाएंगे सर। अरे बाप रे, बहुत ही सीरियस टॉपिक है दोस्तों, ढूंढने से नहीं मिलता है ये सब वीडियो यूट्यूब में, सिर्फ हम ही लोग बनाते हैं। एकदम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए। एकदम, शुरू किया जाए। शुरू किया, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो दोस्तों जैसे कि इंट्रो में हम लोग बात कर रहे थे क्रेटा का बारे में, जो आज क्रेटा का कुछ एक्सक्लूसिव काम दिखाएंगे जो अभी तक आपने देखे नहीं है। जी एकदम, देखिए ये हमारा पीछे जो है ये क्रेटा, देख के नहीं लगेगा आपको, जो क्रेटा है बिल्कुल हालत खराब है, इसका पूरा इंजन का पोर्शन जो है ये खोल के नीचे रखा गया। सर एक एक करके बताइए डिटेल। सर हम लोग का ये कोलकाता में नहीं बोलेंगे, पूरा बंगाल में फर्स्ट वीडियो है क्रेटा का इंजन का। जी जी फर्स्ट वीडियो हम लोग, हाँ जी जी, इसलिए कि हम लोग पूरा यूट्यूब में खोज चुके हैं। हाँ। कल रात में रिसर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, हमको वीडियो नहीं मिला कोलकाता का, बाहर का है, बाहर का, कोलकाता का हमको नहीं मिला, बंगाल का भी नहीं मिला। हम लोग फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं यूट्यूब में क्रेटा का इंजन बनाने का। हाँ जी जी। सर इसका क्या हुआ था, गाड़ी जो है पानी में चले ढूक गया था। अच्छा, ओके। पानी में ढूंढने के बाद में पूरा इंजन में पानी चला गया। अच्छा, पानी जाने के बाद में हम लोग गए, हम लोग का टीम गया जाके देखा वहाँ पे, तो सेल्फ में पानी ढुका हुआ था, हम लोग सेल्फ बनाया तो गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं, फिर गाड़ी को ट्रिम करके लेके आए, फिर गाड़ी हम लोग यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे जो हम लोग कस्टमर को कोटेशन दिए तो कस्टमर लेके चले गए सर्विस सेंटर। ओके, सर्विस सेंटर में जाने के बाद उनको लंबा चौड़ा कोटेशन दिया गया, मतलब यहाँ का कोटेशन लेने के बाद वो सर्विस सेंटर में गए, सर्विस सेंटर जाने के बाद फिर हमारे पास आए। अच्छा, हमारे पास आने के बाद फिर हमने उनको बेस्ट एक प्राइस दिया कि ठीक है चलिए सर, हम लोग रिलेशन है तो हमने उनको बेस्ट प्राइस ही दिया था, थोड़ा बहुत को कम हम कर दिए लेबर चार्ज में। तो फिर हम लोग ये सारा चीज़ खोले हैं, खोल के हम लोग सारा चीज़ हमको इसका काम कर रहे हैं, इसका क्या क्या कर रहे हैं सर आपको बताएंगे, क्या क्या एक एक पार्ट बताएंगे आपको। बताइए, एक एक पार्ट बताएंगे। इसका पिस्टन का रिंग दिखाइए, पिस्टन का रिंग, रिंग दिखाइए भाई, ये पहले पिस्टन दिखा दीजिए चारों। अच्छा, दो दिखाने से चलेगा? हाँ, दो दिखाने, चारों दिखा दीजिए। तो देखिए हेड हम लोग लेफ्ट से हम लोग लाए हैं, हेड को दिखाइए उठा के, चलिए पिस्टन हो गया, इसको रहिए पिस्टन, ब्लॉक ये पिस्टन हो गया, पिस्टन का काम। अच्छा, ये ब्लॉक देख सकते हैं, ब्लॉक का मेरा कंप्लीट है। अच्छा, हेड जरा दिखाइए। हां हां, क्रैंक दिखाइए। हां, एक एक करके बताइए। हां हां, ये देखिए कंडीशन, कंडीशन ये क्या है, ये क्या, ये आपका ब्लॉक है। अच्छा, इंजन का नीचे का पोजीशन है ये। ओके जी, और ये आपका हो गया क्रैंक, क्रैंक दिखाइए, क्रैंक, क्रैंक दिखाइए। हां, ये क्रैंक का हाल बुरा के दिखाइए, बुरा काम लेज में इसको बर्बाद दिया, देखिए। अरे वाह, क्रैंक का कम से कम तो सिर्फ इसका अगर से प्राइस होगा कम से कम 20 से 22 हजार। सर इसका तो न्यू लग रहा है, एकदम न्यू कर दिए हम लोग लेज में बना के, इसको तो चका के कर दिए कम्प्लीट। आपको कैम दिखाइए, दोनों कैम दिखाइए, ब्यूटीफुल। उसके बाद में देखिए आपको इसका हेड दिखाएंगे, फिर पिस्टन का रिंग दिखाएंगे आपको नया, ये दो कैम है, एक कैम है, एक कैम है, फ्रेश हो गया। देखिए कस्टमर को चाहते हैं जितना मेरे तरफ से हो पाए उनको अर्जेंट चीज बचा के रिपेयरिंग करके कर देना। एकदम, देखिए चकाचक नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि न्यू है, एकदम न्यू लग रहा है जी। बिल्कुल, इसको रखिए,
अच्छा हेड को दिखाइए जरा, उठा के हेड को दिखाइए, इस तरह बाजी, इस तरह बाजी हेड को जरा दिखाइए, कैमरा दिखाइए थोड़ा दिखाइए। उसके बाद में आपका जो है सर, इसमें आपका जो कनेक्टिंग बेयरिंग है, जो भी है सारा चीज जो मेरे से हो पाया सर, ये हेड है, ये हेड हेड भाई, ये काफी वेट है। आइए एक बार सामने आइए, कैमरा के सामने दिखाइए, कैमरा दिखाइए पूरा, हम लोग वीडियो बना के इसका काफी वेट है इसका, इसलिए भेल उल सब अंदर से लग गया, पलट कीजिए पूरा, देखिए अच्छे से पूरा देख रहे, पूरा मड़का दिया हुआ सब, लेट से बन गया हुआ, एक नंबर, दो नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर मड़का दिया हुआ, ठीक है, इसको रख दीजिए, पिस्टन रिंग लेके दिखाइए। बाकी देख सकते सर, आपका देखिए यहाँ पे सब सब कुछ है, चेम्बर है, वाइज चेम्बर है, एसी कंप्रेसर है, और टेंटर ट्रांसफर प्रेशर प्लेट पानी में ढूंढने बाद में काफी नुकसान हुआ है, उसका हम खर्चा बताएंगे कि अप्रोक्सीमेट खर्चा क्या आया है, ठीक, और सर्विस सेंटर में क्या दिया गया था कोड़े से ना, हमने कितना में रेडी किया सर, ये सब चीज जो आप खोले है इसमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या किया सर, इसमें पिस्टन, कुछ पिस्टन चेंज हो रहा है, एक दो ठो पिस्टन का रिंग हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, क्रैंक पॉलिश हुआ है, लेथ का हेड में पूरा काम हुआ है, बहुत सारा पार्ट्स लग के, हेड चेंज नहीं हुआ, हेड चेंज नहीं हुआ, रिपेयर कर दिया, रिपेयर कर, उसका ना ब्लॉक का भी काम हुआ, ब्लॉक भी हेड में, हेड हेड का भी काम हुआ, ब्लॉक का भी काम हुआ, ब्लॉक सब लेने जाके बड़ा अच्छा से काम हुआ उसका, अच्छा। उसके बाद में आपका हेड है, गैस किट अभी हम लोग मंगाए नहीं है, आके रखा हुआ है, वो भी दिखा सकते हैं, दिखाई जरा हेड गैस आया है, दिखाई जरा गैस किट, दिखाइए अभी, देखो अभी दिखाइए, अभी दिखाइए, अच्छा दिखाइए, ठीक है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि चीप एंड बेस्ट में जितना अच्छा काम हो, हम लोग पेट्रोल कार का इंजन बनाने में, टाइमिंग करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, खास करके हुंडई का, ये सब बाहर का कार है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि चीप एंड बेस्ट में जितना अच्छा से सस्ता से काम कर पाए, और रिपेयरिंग ज्यादा फोकस करते हैं हम, रिपेयरिंग में कि लोग रिपेयरिंग करें तो लोग हमारे पास में आए, देखे कि नहीं भाई रिपेयरिंग करते हैं, और हम लोग क्या रिपेयरिंग ज्यादा ही करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं बोल के इसमें अभी कितना खर्चा आने वाला सर आपको बताएंगे अभी सर। रिपेयरिंग नाम का चीज तो बिल्कुल गायब कर दिया सर्विस सेंटर वाला, एकदम एकदम वो लोग रिपेयरिंग नहीं करते, सर्विस सेंटर में हम लोग कोई भी कार लेके जाते हैं तो वो लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं है कि रिपेयर, ये आपका पिस्टन का रिंग है जो पिस्टन में लगता है, अच्छा ये आपका देखिए पिस्टन में लगेगा ये वाला, अच्छा पिस्टन कनेक्टिंग है नया कनेक्टेड होने का, ये देखिए ये आपका पिस्टन है, ये रिंग लगेगा, देखिए पिस्टन, देखिए ये पिस्टन, ये देखिए रिंग है, ये आपका लगेगा, ये न्यू लगाइएगा, हाँ ये न्यू है पूरा, ये पूरा चार सेट का आता है, अच्छा इसमें एक पिस्टन में तीन तीन रहता है, इसमें तीन तीन रहता है, तीन तीन छह, इसको क्या चूड़ी कहते हैं, क्या चूड़ी इसको कहते हैं, इसको क्या, हां जी इसको चूड़ी कहते हैं, ये आपका कनेक्टिंग है ना एकदम ब्रांड न्यू है, गैस्केट है, गैस्केट ये जो है आपका देखिए कनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग एक बैंड हो जाता है हम लोग का, तो कनेक्टिंग हम लोग नया लगाएंगे, ये अच्छा, जब पानी जब ढुकता है ना सर तो कनेक्टिंग बैंड हो जाता है, हम बैंड वाला कनेक्टिंग आपको दिखा रहा, देखिए इसमें कुछ फर्क आ रहा सर, आपको समझ में आ रहा, देखिए ओहो देखिए बैंड समझ में आ रहा है, इसमें देखिए पूरा स्ट्रेट है, ये देखिए समझ में आ रहा कुछ, ठीक 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 कहानी है, कोशिश करेंगे हम लोग स्टार्ट होने के बाद भी दिखाने का कोशिश करेंगे सर आपको, अच्छा ठीक है सर। ये टोटल फिनिशिंग में कितना दिन लगेगा आपको, क्या लगेगा सर, कम से कम पकड़ लीजिए अभी तो सब रेडी है, अभी हम लोग फिर असेंबली करेंगे बाहर में, इसको बाहर में असेंबली करेंगे पूरा हेड वुड सब सब लगाने के बाद में, दो तीन दिन के अंदर में, दो तीन के अंदर में हो जाएगा, टेस्ट ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे तो उस टाइम फिर हम लोग इसका एक तो शॉट ले लेंगे, अच्छा तो ठीक रहेगा, अच्छा तो सर इसका लगभग खर्चा अगर पकड़ लीजिए सर, अप्रोक्स खर्चा इसका बता रहे हैं हम, क्रेटा का इंजन थोड़ा सा खर्चा होता है अप्रोक्स 45,000 के आसपास, 45,000 से लेके 50,000 के अंदर में, अच्छा और यही अगर सर्विस सेंटर से, और सर्विस सेंटर में सर बोला था हमको 1.5 लाख खर्चा, 1.5 लाख बोला गया था, सोचिए ये तो सब, वीडियो क्यों हाँ, बनाता हूँ जरा देखिए आप लोग कमेंट तो कर देते हैं, हाँ जी जी वहाँ पे सर रिपेयरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है ना, नहीं, नहीं, नहीं। तो सारा चीज अभी देखिए हम दो पिस्टन खराब है दो पिस्टन लगाएंगे, एक कनेक्टिंग खराब है दो कनेक्टिंग खराब है दो ही कनेक्टिंग लगाएंगे, वहाँ पे सारा सेट चेंज कर देगा, तो उन लोग अप्रोक्स उन लोग दिए थे कोटेशन 80,000 और मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख, तो कस्टमर वहां से भाग के आए मेरे पास में, हमारा ठीक है सर हम कर देते हैं, क्या हम तो करने के लिए राजी आप ही चलेंगे, तो नहीं आप ही कर दीजिए आप लोग कर दीजिए, इससे आप लोग थोड़ा चीप इन्वेस्ट में कर पाएंगे, तो हम खुल के बोले कि मेरा ऐसा सा बात है हम कम में होगा तो ही कराएंगे, हमेशा पहले खोलते हैं, खोल के देखा कि लगा नहीं ठीक है इसमें 45,000-50,000 के अंदर में हो जाएगा, तो सारा इंक्लूड सब कुछ लेके, एसी का गैस है इसमें, कूलेंट है, गियर वायल है इसमें, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, बहुत सारा काम है इसमें, ये टोटल काम करके पानी में ढूक गया, वायल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन वायल, गियर वायल, कूलेंट, ब्रेक वायल, एसी का गैस, समझे ना सारा चीज लेट के कम्प्लीट करके, ये आपका इंजन रिपेयरिंग, हेड गैसकेट, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग, आपका सब कुछ लेके टोटल लेके आपका 50,000 के अंदर में इसका कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट हो गया। सर कुछ टिप्स दीजिए सर, टिप्स वो ये, अगर से गाड़ी में, अगर से गाड़ी चला रहे हैं, अगर से रोड में पानी है तो पानी को बचा के चलाएं, और
कोशिश करें कि पानी से बचा के चलाएं। जब पानी में जाएं तो अगर से पानी में ढूक जाएं तो फिर गाड़ी बंद है तो उसको दोबारा स्टार्ट ना करें। अच्छा, ये टिप्स बता दे रहे आपको। गाड़ी में अगर पानी ढूक के कोशिश करते हैं भाई, भाई पानी में अगर गाड़ी स्टॉप हो गया तो उसको नहीं 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 करें आप, तो जान बच जाएगा थोड़ा सा। तो क्या होगा, मैकेनिक ओवरलिंग कर देंगे आपका, ठीक हो जाएगा। जब मारते हैं ना तो कनेक्टिंग बैंड रहता है, उसमें जगह मिलता नहीं, पानी ढुका रहता है, उसको एयर कहाँ से बनाएगा वो। अच्छा। तो पानी ढुका रहता है उसमें, वाटर ढुका रहता है, वाटर जब नहीं निकलेगा तो वाटर को फिर हम लोग क्या पेट सर्विस करने से फिर आपको नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक होंडा सिटी गाड़ी का बारिश में फंस गया था, तो कस्टमर हम बहुत फ्रेंडली थे हमसे, तो हम कॉल किए कि ऐसा सब बात है अमन भाई क्या करें। हम बोले सर एक काम कीजिए, गाड़ी को बंद कर दीजिए आप, पटाख से बंद कर दीजिए और खेल के गाड़ी को साइड में कीजिए, फ्यूम में भिजवाते हैं गाड़ी लेके, कुछ नहीं, नॉर्मल 5-7 हज़ार रुपये खर्चा, उनकी गाड़ी स्टार्ट होगी। अच्छा, ओके। जिनको जानकारी है वो, उनके साथ प्रॉब्लम होता नहीं। अभी क्या देखिए, आप फैमिली लेकर आदमी फंसा, वो आदमी के साथ मजबूरी रहता सर। अब मेन रोड में गाड़ी फंस गया क्या करेंगे, मानना पड़ता है मुझे। और कोशिश ना कर रहे कि मान नहीं मानो, गाड़ी पानी चलेगा मतलब खराब होगी। लग्जरी कार जितना भी लग्जरी कार है उसमें एक सेंसर दिया हुआ है कि गाड़ी पानी में ढुकेगा तो ऑटोमेटिक बंद होगा, स्टार्ट होगा ही नहीं। और ये सब गाड़ी क्या स्टार्ट होता है तो बंद, ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसलिए कनेक्टिवमेंट हो जाता है इसका। ओके जी, तो दोस्तों आपको अंदाजा आया, आपको मतलब वैल्यू समझ में आया इस वीडियो का, क्यों बना रहा हूँ हम लोग। यूट्यूब में सर्च कीजिए वेस्ट बंगाल, ज्यादातर कोलकाता में क्रेटा का इंजन रिपेयर है नहीं, है नहीं सर्विसिंग है नहीं, बस नहीं है अभी कोई नहीं कर रहा। आप जितना भी लोग आए हो ना, ये ज्यादातर लोग सर्च करके आए हैं, इतना भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग सर्च करके आया हो। हम लोग भी एसईओ उसी टाइप से किया है ताकि आपको सर्च करने में आसान हो, सुविधा हो जी, सुविधा हो। और देखिए आपका पास भी अगर क्रेटा है, हुंडई का कोई भी कार है आपका पास, आपका लग रहा है कि सर्विस सेंटर में ले गए या फिर कहीं दिखाया आपको काम ठीक ठाक नहीं हुआ, स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये अमन मोटर्स के नंबर है। और अमन साहब काफी दिन का एक्सपीरियंस्ड एक मैकेनिक है, इनका अंडर में बहुत सारे जूनियर मैकेनिक्स है, खुद ट्रेनिंग भी देते हैं उन लोगों को जी जी। और खुद काम भी करते हैं, वही काम करते हैं जो बहुत ही सीरियस काम है, तो खुद हाथों से करते हैं, नहीं तो उनका मैकेनिक जो है एक से बढ़कर एक वेल एक्सपर्ट मैकेनिक्स है। स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये अमन मोटर्स की नंबर है, आप कॉल कीजिए अभी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ का नाम नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, एकदम आपका काम आएगा जी। ठीक है सर जी, ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया हुंडई का क्रेटा, उसका इंजिन रिपेयरिंग सर्विसिंग का बारे में सारी चीज सर ने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से, कितना कॉस्ट आया, कितना दिन टाइम लगा है, क्या क्या चेंजेस हुई है और क्या क्या रिपेयरिंग हुआ है, सारी चीज आपको बताया गया। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है, आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है, देखिए फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये अमन मोटर्स की नंबर है, आप फटाफट कॉल कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी अगर नाम नंबर लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, बस आप अपना टाइम का हिसाब से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज, व्यूअर्स के लिए आपके पास क्रेटा कार है, आप लोग इंडिया कोई भी कोना से देख रहे हैं या तो बंगाल से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपके पास में कार है, अगर से कुछ पार्ट्स भी लगेगा आपको तो हम लोग पार्ट्स भी अवेलेबल करवा देंगे आपको, और बाकी गाड़ी होगा तो गाड़ी लेकर आइएगा, तो गाड़ी हम लोग डेंटिंग पेंटिंग से लेकर इंजन से लेकर रिपेयरिंग सब कुछ टोटल ए से लेकर जेड तक सारा हम लोग रिपेयरिंग सर्विसिंग करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम लोग को जिनके पास में क्रेटा कार है प्रॉब्लम पड़े हुए तो उनका सॉल्व होगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।